हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन इज़ फाइन सो फ्रेंड्स दिस इज़ अ लेक्चर ऑन अप्रोचेज़ टू इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आपने अप्रोचेज़ कवर नहीं किया तो उनको कवर कर लो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अप्रोचेज आई मस्ट टेल यू वो ऑलरेडी कवर हुई हुई हैं लेकिन फिर भी बच्चे कंटिन्यूअसली कह रहे थे नहीं थोड़ा और डिटेल में तो अप्रोचेज़ को हम कवर करेंगे अप्रोचेज़ uh, के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा कि हम एक अप्रोच को एक वीडियो में डिस्कस uh, करेंगे ताकि आपका पाँच से दस मिनट का एक वीडियो होगा उसमें आप फटाफट से एक अप्रोच को रिवाइज भी कर लो और अपना uh, देख भी लो ऑल राइट सो दिस इज़ हाउ वील गोइंग टू वी आर गोइंग टू डिस्कस द अप्रोचेज एंड फर्स्ट अप्रोच जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर ड्यूनलप्स अप्रोच ऑल इस अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे एंड एम सी क्यू कोर्सेज़ अगर आप लेना चाहते हैं सो यू कैन गो टू द वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट शिक्षा डॉट कॉम पर आप जा करके ये नॉन वीडियो एम सी क्यू कोर्सेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं विच विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू फॉर योर एग्जामिनेशन

वो सिंगल डिसिप्लिन में आप उसको पुट नहीं कर सकते इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच उसके लिए चाहिए क्यों क्योंकि इसमें आपके सोशियोलॉजी के फैक्टर्स भी आ जाते हैं साइकोलॉजी भी आपकी आ जाती है लॉ भी आ जाता है हिस्ट्री भी आ जाती है पॉलिटिक्स भी आ जाती है इकोनॉमिक्स भी आ जाती है अकाउंटिंग भी आ जाती है मैनेजमेंट स्टडीज भी आ जाती है तो मल्टीपल डिसिप्लिन आ गए ठीक है तो एक इंटर फील्ड है ठीक है तो इसको हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में ड्यूअल करेक्टर है ये इंटरडिसिप्लिनरी भी है क्योंकि इसमें बाकी सारे डिसिप्लिन का थोड़े थोड़े फीचर्स हैं और इसी वजह से इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन भी हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें खुद के यूनिक फीचर्स भी हैं इसी वजह से हमें डिफरेंट अप्रोचेज जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन की स्टडी करनी पड़ती हैं जो है जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमको दिए हैं ऑल राइट right. और उनमें सबसे पहले जो हमारी अप्रोच आ जाती है दैट इज कॉल्ड द ड्यूनलप अप्रोच तो ये बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑफ प्रोफेसर जॉन टी ड्यूनलॉप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे ये कई बार ये माइनर सी चीज़ें भी एग्जामिनेशन में वो पूछ लेते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए इनकी जो किताब है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम जो इन्होंने 1958 में लिखी थी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नो बुक रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो एनालाइज करती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के फ्रेमवर्क को अब यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन नाइनटीन किसने लिखी है या बेसिकली ये बुक किस चीज़ के ऊपर है तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के ऊपर ही है और और इसमें है क्या बेसिकली ड्यूनलप ने अपनी अप्रोच में बोला क्या है वो भी हम समझते हैं तो आपके मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं इस अप्रोच से बन सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन हम अपने एम कोर्स के अंदर कवर भी करते हैं ऑल राइट सो ड्यूनलप ने इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को किस तरह से वो डिफाइन करता है एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम एट एनी वन टाइम इज द डेवलपमेंट इज रिगार्डेड एज कम्प्राइज ऑफ सर्टेन एक्टर्स तो किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें तीन एलिमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूनल अप्रोच पहला एलिमेंट क्या कहता है कि इसमें कुछ एक्टर्स होते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं दूसरा कहता है कि कुछ कंटेक्सट होता है उसका उससे रिलेटेड कुछ कंटेक्स इसके अंदर रहता है कि जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए, वो क्या है वो कंटेक्सट है और फिर आ जाता है आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी क्या है जो आपके एक्टर्स है, हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में इन्वॉल्व है वो आपकी आइडियोलॉजी उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी होगी कि वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज रिस्पेक्ट जो है उसको मानते होंगे ऑल राइट सो ये जो तीन फीचर्स uh, हैं ये जो तीन uh, आपके सेट्स हैं ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को बाइंड करते हैं टुगेदर ऑल राइट ना बेसिक अब दे, देखो क्वेश्चन इसमें किस तरह से वो पूछ सकता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम का जो थ्योरी है जो अप्रोच है जो जॉन टी ड्यूनलॉप ने दिया है उसमें Uh, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है इट इज़ कम्प्राइज ऑफ वॉट ऑप्शन ए एक्टर्स ऑप्शन बी कंटेक्स्ट ऑप्शन सी आइडियोलॉजी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो उस केस में आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है उस केस में आंसर आपका हो जाता है ऑल ऑफ द अबव ऑल राइट विच बाइंड इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम टुगेदर एंड अ बॉडी ऑफ रूल्स ठीक है और फाइनली आपका एक चौथा एलिमेंट भी आ जाता है इन तीन के अलावा विच इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ रूल्स जो बेसिकली जो रूल्स होते हैं जो एक स्टैब्लिशमेंट को गवर्न कर रहे हैं तो वो रूल्स कौन बना रहा है कौन उनको फ्रेम करता है कौन उनमें उन रूल्स उन के चेंजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं जो एक वर्क प्लेस या वर्क कम्युनिटी को चलाती हैं ऑल राइट सो एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टर्स क्या होते हैं कंटेक्स क्या होता है और आइडियोलॉजी क्या होती है तो जब मैं एक्टर्स की बात करता हूँ तो एक्टर्स कौन आ गए मैनेजर्स आ गए जो भी आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हेरारकी के अंदर मैनेजर्स हैं टॉप लेवल से लेकर के सुपरविजन लेवल तक वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरे आपके कौन आ गए जो आपके वर्कर्स हैं जो नॉन मैनेजेरियल वर्कर्स हैं जो स्पोक्समैन हैं वर्कर्स के आपके वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे तीसरी आ जाएंगी स्पेशलाइज गवर्नमेंट एजेंसीज ठीक है स्पेशलाइज प्राइवेटाइज एजेंसीज जो बेसिकली वर्कर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज जो गवर्नमेंट इंप्लाइज हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो लेबर वेलफेयर इट एक्स्ट्रा के लिए काम कर रहे हैं ठीक है जिनका विच द एजेंसीज द गवर्नमेंट एजेंसीज आर डायरेक्टली कंसर्न विद द वर्कर्स विद द एंटरप्राइजेज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड द एंटरप्राइजेज जैसे लेबर ब्यूरो हो गया ऑल राइट right, अब जो ये पहली दो हेरार्किज हैं दैट इज जो मैनेजर वाली हेरारकी है और जो वर्कर वाली हेरारकी है ये दोनों हेरारकी एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होती है ठीक है क्योंकि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेरिंग लेवल्स पर कि वो इंस्ट्रक्शंस इशू करे वर्कर्स को ऑल राइट right, तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है मैनेजर की होती है और वर्कर्स को काम करना होता है जो इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स को मिली है दे हैव टू फुलफिल दोज इंस्ट्रक्शंस ओके सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई और दो ये दो जो है ये आपस में क्या हो गई लिंक हो गई जो थर्ड है वो एक तरह से सुपरवाइजरी हेरारकी है वो अलग वे में जो है एक्ट करती है ओके okay? सो so, ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है उसके अलावा द हेरिकी ऑफ मैनेजर्स नीड हैव नो रिलेशनशिप टू द ओनरशिप ऑफ द कैपिटल एसेट्स ऑफ द वर्क प्लेस अब जो मैनेजर्स हैं ऐसा नहीं है कि वो ओनर्स हैं उस वर्क प्लेस के ओके okay, मैनेजर्स जो है वो पब्लिक हो सकते हैं प्राइवेट हो सकते हैं या मिक्सचर हो सकते हैं बट इट डज नॉट मीन कि एक मैनेजर जो है वो ओनर ही होगा सेल्फ प्रोप्राइटरी में ऐसा हो सकता है लेकिन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उस केस में ऐसा नहीं होता द फॉर्मल हिरारकी ऑफ वर्कर्स में बी ऑर्गेनाइज इंटू सेवरल कंपीटिंग और कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो अब हिरारकी ऑफ वर्कर्स होता है अभी तक हम पढ़ चुके हैं वर्कर्स किस अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो अपने आप को ट्रेड यूनियंस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो अपने आप को वर्क काउंसिल्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो अपने

देखो गवर्नमेंट कई बार बहुत ब्रॉड फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकती है क्या पता वो जो मैनेजर्स की हिरारकी है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के कोई ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट पास कर दे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन को भी ओवर कर जाए ठीक है अगर कोई मेजर डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो बहुत माइनर रोल प्ले करती है मेजर रोल जो है वो हिरार ही करेगी तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट कई बार बहुत ब्रॉड रोल प्ले कर सकती है और कई बार बहुत माइनर रोल प्ले कर सकती है फिर बात करते हैं कंटेक्स्ट की कंटेक्सट बेसिकली क्या हो गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट अब ये एनवायरमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का इसमें जो वेरियस एक्टर्स हैं जो अभी तक हमने देखा मैनेजर्स की हैर की वर्कर्स की हैर की और गवर्नमेंट तो ये जो वेरियस एक्टर्स हैं ये इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ ठीक है अब ये जो इंटरेक्शन होगा ये जो एनवायरमेंट होगा इसमें तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट होंगे एक तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का टेक्नोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक क्या है दूसरा उस ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट क्या है और बजेटरी कंस्ट्रेंट्स क्या है और तीसरा लोकस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है उस लार्जर सोसाइटी में जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन है एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल फीचर ऑफ वर्क क्या हो गया बेसिकली किसी भी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री uh, में आप चले जाओ तो वहां पर किस तरह की टेक्नोलॉजी फॉर्म हो रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी से डिपेंड होगा कि मैनेजमेंट और इंप्लॉयी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में uh, जो है रिलेशन किस तरह का है सुपरविजन भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा अगर जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनरीज होगी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो सुपरविजन हो जाएगा और जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड प्रोसेस होगा उतना ज्यादा ईजी जो है वो सुपरविजन आपका इस केस में हो जाए हो जाता है और सो मेनी ऑफ द फीचर्स ऑफ द रिक्वायर लेबर फोर्स एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ पब्लिक रेगुलेशन मशीनरीज के थ्रू होंगी जहां पर सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज फॉलो होनी है जहां पर डेंजरस मशीनरीज फॉलो होनी है वहां पर पब्लिक रेगुलेशन अलग तरह की होगी जहां पर मैनुअल वर्किंग है वहां पर अलग तरह की होगी तो हर इंडस्ट्री में अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी फॉलोड इन दैट इंडस्ट्री जो रेगुलेशन है वो अलग होता है ये आप जानते ही हो ठीक है अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लू माइनिंग इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजिकल कंटेक्ट है वो डिफरेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से अब अगर मैं माइनिंग कम्युनिटी की बात करता हूं माइनिंग कम्युनिटी वाले जो इंप्लाइज होते हैं उनको आइसोलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि एक तो वो अर्बन एरियाज से दूर रह रहे होते हैं ठीक है तो ह्यूमन रिलेशन में उनके प्रॉब्लम क्रिएट आ जाता है ऑल और इसी वजह से डिफरेंट स्टेप्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस को लेने पड़ेंगे जो माइनिंग इंडस्ट्री वाले वो इंप्लॉयर्स हैं उनको अपने इंप्लॉयज़ के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे उनको उनके लिए वर्किंग सोसाइटीज बनानी पड़ेंगी उनके रहने के लिए जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि अर्बन प्लेसेज से वो लोग दूर रह रहे हैं एजुकेशन का इंतजाम करना पड़ेगा उनके बच्चों के लिए लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच इज देयर इन द सिटी उनको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं उनके लिए अलग तरह की प्रॉब्लम्स होंगी ठीक है साथ ही साथ जो आपकी टेक्नोलॉजी होता है उससे आपके जो साइज ऑफ वर्कफ़ोर्स फोर्स इंप्लॉयड है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है ठीक है अगर आपके इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें सारी चीजें मैकेनाइज्ड हैं तो डेफिनेटली आपका जो वर्कफ़ोर्स है वो रिक्वायरमेंट कम होगा एज कंपेयर टू आ इंडस्ट्री जिसमें सारे की सारी डिपेंडेंस जो है वो मैनुअल लेबर के ऊपर ही है और देन नेक्स्ट आ जाता है आपका मार्केट और बजेटरी अब मार्केट और बजेटरी में क्या हो गया देखो सबसे पहले तो मार्केट और बजेटरी जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं वो मैनेजीरियल हेर को करते हैं ठीक है लेकिन लिंक इसमें आपकी वर्कर हेयर भी आ जाती है क्योंकि अगर सेल नहीं हो रही है अगर मार्केट नहीं हो रहा है प्रोडक्ट तो डेफिनेटली जो मैनेजर है वो वर्कर के ऊपर प्रेशर पुट करेगा कि भैया क्वालिटी तुम्हारी प्रॉपर नहीं निकल के आ रही इसीलिए मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकरा ये सारी चीजें और बजेटरी कंस्ट्रेंट का भी जो इंपैक्ट है, वो वर्कर के ऊपर आएगा वर्कर कहेगा कि मुझे सैलरी चाहिए मुझे बोनस चाहिए पर अगर जो मैनेजर है उसके पास कंस्ट्रेंट है तो वो डेफिनेटली हाइक भी नहीं दे पाएगा वर्कर को उसकी सैलरी के अंदर वो वर्कर को प्रॉपर बोनस नहीं दे पाएगा ठीक है तो ये सारी प्रॉब्लम जो है एक इन्वायरमेंट में बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है ज मार्केट और बजेटरी अब मार्केट जो है आपका प्रोडक्ट जब मार्केट में जा रहा है उसमें इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीजें वेरी करेंगी कि आप जिस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो वो प्योर कॉम्पिटिशन वाली मार्केट है मोनोप्लिस्टिक कॉम्पिटिशन वाली मार्केट है ऑलिगोपॉली मार्केट है या मोनोपली मार्केट है सो so, उसके हिसाब से भी आपके जो है मार्केट कॉन्स्ट्रेंट वेरी करेंगे नेक्स्ट आ जाता है लोकस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जब अब मैं यहां पर लोकस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता हूं ना तो मैं वाइडर सोसाइटी की बात करता हूं कि पावर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है जो एम्प्लॉयर का सेक्शन है और एम्प्लॉई का सेक्शन है जो डिफरेंट कास्ट्स हैं डिफरेंट रिलीजियंस हैं डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनके अंदर पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर पावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैनेजर्स और वर्कर्स एक टेबल पर बैठकर इंटरैक्ट करेंगे लेकिन अगर मैनेजर्स को सुपीरियर स्टैंड मिला हुआ है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जैसे इंडिया जैसी सोसाइटीज जो हैं जहां पर कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है जहां पर अपर कास्ट लोअर कास्ट अगर आप देखो ज्यादातर इंप्लॉयर्स आपको मिलेंगे दे आर बिलोंग फ्रॉ बिलोंग टू द अपर कास्ट एंड जो ज्यादातर आपके वर्किंग क्लास मिलेगा वो लोअर कास्ट होंगे कंपेरेटिवली सो so जो अपर क्लास है जो वर्क जो आपके इम्प्लॉयर्स हैं दे विल स्टार्ट डोमिनेटिंग द लोअर कास्ट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी इंडिया में आज भी पावर उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप में नेक्स्ट इज आइडियोलॉजी अब आइडियोलॉजी क्या होती है इसमें अब डिफरेंट एक्टर्स आपके उसके अंदर हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक्टर की डिफरेंट आइडियोलॉजी हो सकती है ओके ईच एक्टर हैज़ अ डिफरेंट आइडियोलॉजी तो इस केस में इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है कि वो इन आइडियोलॉजीज को कंपैटिबल बनाएं एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट बनाए एक दूसरे के साथ Uh, जो ऑर्गेनाइजेशन uh, की आइडियोलॉजी है उसके साथ कंसिस्टेंट बनाए अगर तो right. प्लेस के ठीक है, है. है? इसमें आपके जो गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एक्टर्स के बीच के रिलेशनशिप को गवर्न करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरह से होगा वो सारी चीजें इसके अंदर गवर्न की जाएंगी अब ये जो broadly, तीन कैटेगरी में आ जाते हैं सबसे पहला वो रूल्स जो आपके कंपनी को गवर्न करते हैं कि किस तरह से वेजेस वगैरह पे की जाएंगी और स्टाफ वगैरह की सैलरीज होंगी ठीक है जो वर्कर्स से ड्यूटीज उनको परफॉर्म करनी है या जो उनसे ड्यूटीज एक्सपेक्टेड हैं जो रूल्स ऑफ डिसिप्लिन है या और जो पनिशमेंट उनको दी जाएगी अगर वो स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं करते या फिर जो रिवॉर्ड उनको दिया जाएगा इफ दे अचीव द स्टैंडर्ड्स वो सारे इस रूल्स के अंदर आ जाएंगे देन रूल्स डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ वर्कर्स जो भी वर्कर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी उनको डिफाइन करेंगे आपके ये right. Now, ये रूल्स जो रूल्स हैं ये इनवायरमेंट में अगर चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से चेंज होंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेंगे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी आपके वेरी करेंगे अब एक्टर्स कौन है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रूल्स की सेटिंग में ऑल राइट सो इसके अंदर वर्कर्स आ जाएंगे या उनके यूनियंस आ जाएंगे इंप्लॉयर्स आ जाते हैं मैनेजर्स और उनके एसोसिएशन आ जाते हैं ठीक है, गवर्नमेंट आ जाती है थर्ड कैटेगरी में गवर्नमेंट की तरफ से कौन होंगे सिविल सर्वेंट्स होंगे जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं लेबर मैटर से रिलेटेड तो ये तीन एक्टर्स मिलकर के वर्कर्स इंप्लॉयर्स और गवर्नमेंट ये तीन एक्टर्स मिलकर के आपका जो है रूल्स uh, स्टैब्लिश करेंगे ऑल सो दिस इज ऑल अबाउट योर ड्यूनलिप्स अप्रोच चलो तो आई होप आपको मजा आया होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सफोर्ड अप्रोच ओके कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली uh, पोस्ट करके पूछें एंड वेबसाइट का लिंक जहां पर आपके एमसीक्यू कोर्सेज हैं एंड पीडीएफ लिंक वो भी आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है यू कैन गो एंड गेट द पीडीएफ फाइल्स फ्रॉम देयर सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू एंड बाय बाय